आज है मेरे पास V3 और RS दोनों एक साथ। पिछले बार करना चाहते थे स्पीड लेकिन नहीं हो पाया, तो इस बार होगा, पर करूंगा मैं सिर्फ अकेले। पिछली बार पिलियन था मेरे साथ फर्स्ट गियर और सेकंड गियर पे, देखूंगा कि टॉप स्पीड कितना है दोनों बाइकों का और फिर कंपेयर करेंगे। V3 का पावर 160 cc होने के बावजूद बहुत ही बढ़िया पावर है, टॉप स्पीड में RS के साथ कंपेयर किया जा सकता है V3 को। तो पहले करते हैं V3 का, उसके बाद RS का करेंगे। तो पिछली बार क्या था, रॉयल एनफील्ड के साथ, भाई कुछ नहीं दिख रहा, भाई इधर बोल के करना पड़ेगा। तो इस बार करेंगे V3 के साथ, रेडी? तो चलते हैं। तो ये था फर्स्ट गियर का स्पीड, हाई स्पीड। सेकंड गियर का शायद नहीं कर पाऊंगा, ट्राई करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कांच है भाई, सेकंड गियर पे स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो नहीं कर पाऊँगा भाई, जगह बहुत कम है और बारिश भी, और बारिश का मौसम है तो दूर भी नहीं गए हम लोग। तो ये जो वीडियो होगा वो सिर्फ फर्स्ट गियर का होगा। RS की स्पीड देखने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक लाइक ठोकना है, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हो, इसलिए मुझे बीच पे रोकना पड़ा वीडियो। तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं। तो RS का तो मैंने सेकंड गियर पे डाल दिया लेकिन V3 का नहीं हो पाया, कांच बहुत ज्यादा यहाँ पे। बारिश गिर रहा है अभी और हम लोग ने स्पीड टेस्ट कर लिया, और ये जो स्पीड टेस्ट है वो सिर्फ फर्स्ट गियर पे, सेकंड गियर पे हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि जो रास्ता था वो बहुत ही छोटा था यहाँ पे और रास्ते पे बहुत ज़्यादा कांच था, तो इसके कारण हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट गियर पे ही टॉप स्पीड जो है वो रिकॉर्ड किया है। तो जो भी हुआ वो घर पे जाके देखेंगे, अभी तो पता नहीं कितना हुआ है। तो अभी पैक करते हैं और चलते हैं घर। और ये जो वीडियो मैं जिस तरह बनाना चाहता था उस तरह तो नहीं बन पाया क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था और इसलिए हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जा पाए, और जिस जगह पे हम लोग ने शूट किया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा कांच था, जो रोड था उस पर बहुत ज़्यादा कांच था क्योंकि वो रोड क्लोज था, पता नहीं क्या हुआ था वहाँ पे। तो इसके कारण मैं सेकंड गियर पे V3 का जो स्पीड है वो नहीं उठा पाया। RS का तो किसी तरह मैंने चेक कर लिया था लेकिन V3 का नहीं हुआ। तो अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं फिर से कोशिश करूँगा सेम वीडियो और एक बनाने की, तो नीचे कमेंट कर देना अगर चाहिए तो। और शायद आप लोगों ने एक बात नोटिस की जो कि एडिटिंग करते वक्त मुझे दिखा, RS का जो सेकंड गियर का जो टॉप स्पीड था वो तो मैंने देख लिया था लेकिन V3 का नहीं हो पाया। फिर भी मैंने डाला था सेकंड गियर पे, तो उसकी जो स्पीड थी वो मैंने अभी देखा तो 70 एक बार टच किया था V3 ने सेकंड गियर पर, लेकिन RS का जो स्पीड था वो शायद 64 था। तो सेकंड गियर में भी जो V3 है वो RS से आगे, पता नहीं क्यों कैसे। अगर आपके पास RS है तो आप मुझे कमेंट में नीचे बताओ कि आपके RS की स्पीड फर्स्ट गियर और सेकंड गियर पे कितनी है टॉप स्पीड, और जिन लोगों के पास V3 है वो भी बताओ नीचे कमेंट में कि आपके V3 की फर्स्ट गियर और सेकंड गियर पे टॉप स्पीड कितनी है, फिर मुझे थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि मेरे RS में पावर कम है, दूसरे RS में पावर ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे पता नहीं कुछ। मुझे जो रिजल्ट मिला वो मैंने आप लोगों को शो किया, बस इतना ही। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाइक से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आते रहेंगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाई।